दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर डिप्लोमा और बीबीटेक वाले अप्लाई कर पाएंगे। ये वैकेंसी आपकी मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में रहने वाली है। सैलरी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नोटिस आपका DFCCIL नई दिल्ली की तरफ से 22 मई को निकाला गया है। यहाँ पर आप लोग वैकेंसी नोटिस देख सकते हैं। ये संस्था आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोगों के लिए डेपुटेशन बेसिस पर वैकेंसी रहने वाली है, जहाँ पर बीबीटेक और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी रहने वाली है। पोस्टें यहाँ पर आपकी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर मैनेजर के लिए रहने वाली हैं। वर्क लोकेशन यहाँ पर आपकी अंबाला रहेगी। बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मैनेजर के लिए। यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी PSU कंपनी में, आपके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी PSU कंपनी में, मिनिमम आपके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर मैनेजर के लिए। यहाँ पर भी आपको बताया है अगर आपने काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी PSU कंपनी में, मिनिमम आपके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑफलाइन रहने वाला है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको आपको लेना है, सेल्फ टेस्ट करना है और आपको भेज देना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके 20 जून तक इनके ऑफिशियल एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए। तो जो लोग भी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।